Hey everyone, this is Sphinx and welcome back again. By the way, last video में मैंने पूछा था कि आप लोग ये gaming news वाला concept continue रखना चाहोगे and आप लोगों ने तो धागा खोल दिया एकदम. So here I am again with some more gaming news. So without any further ado, let's get straight to the video. तो हमारी फर्स्ट न्यूज आ रही है प्लेस्टेशन 5 की तरफ से। अगर आप लोग PS5 खरीदने के लिए वेट कर रहे हो देन ये न्यूज आपके बहुत काम आने वाली है। PS5 के प्री ऑर्डर के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है एंड ये बहुत लिमिटेड होने वाली है। सो अगर आप अपने हाथ प्लेस्टेशन 5 पे जल्दी जमाना चाहते हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और Amazon ने भी PS5 के लिए पेज बना दी है, आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारी अगली न्यूज है एक चाइनीज गेम के ऊपर, ब्लैक मिथ वुकोंग। हाँ, ये गेम का नाम है एंड ये गेम एक चाइनीज इंडी डेवलपर द्वारा बनाई गई है और ये गेम 16th सेंचुरी नोवल जर्नी टू द वेस्ट पर बेस्ड है। हाँ, ये वही जर्नी टू द वेस्ट है जिसमें मंकी किंग के बारे में बताया गया है एंड इस गेम के ग्राफिक्स मुझे बहुत टॉप नॉच लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अर्ली गेम प्ले फुटेज है। ये गेम बहुत पॉलिश लग रही है अभी से ही। ये एक एक्शन एडवेंचर जॉनरा होने वाली है एंड ये गेम आएगी PS5, Xbox सीरीज X एंड विंडोज PC के लिए, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे ये आ ही रही है। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है अगेन प्लेस्टेशन की तरफ से। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि PS5 एक्सक्लूसिव टाइटल्स PC पर भी खेलने को मिल सकते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली होराइजन जीरो डॉन को PC पर लॉन्च किया गया, वैसे PS5 के भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स को PC पर लाया जा सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता PS5 के सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स को PC पर लाना पॉसिबल है। कुछ गिने चुने टाइटल्स ही PC पर आएंगे और वो तुरंत रिलीज होने के बाद तो नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि उसके रिलीज के लगभग 2 से 3 साल के बाद, जब उस गेम से सोनी को एनफ प्रॉफिट हो जाए तब गेम आ सकते हैं। बट हाँ, चाहे जो भी हो जाए, गॉड ऑफ वार कभी PC पर नहीं आने वाली, ये तो कंफर्म है मेरी तरफ से। अगर आपको जानना है क्यों तो आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन करना एंड मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। हमारी अगली न्यूज आ रही है लिटिल नाइटमेयर्स 2 की तरफ से। इस गेम का 2 मिनट एंड 40 सेकंड्स का गेम प्ले क्लिप लॉन्च हुई है एंड द गेम लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। लिटिल नाइटमेयर्स 1 वाज जेम एंड जो भी लोग इंडी पजल इल्यूजन जैसे गेम पसंद करते हैं उन्हें ये गेम जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। स्पेशली मैं भी इंडी गेम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। लिटिल नाइटमेयर्स 2 का इनिशियल रिलीज 2020 में ही है, मे बी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है ये गेम खेलने के लिए। तो हमारी जो लास्ट न्यूज है वो थोड़ी सी स्पेशल है। ये न्यूज है राजी एन एंशिएंट एपिक के बारे में। ये गेम इतनी खास क्यों है? वेल, आपको जानकर शॉक लगेगा कि ये गेम इंडिया में ही डेवलप हो रही है एंड इंडियन डेवलपर्स ने इस गेम के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। ये गेम पूरी की पूरी इंस्पायर्ड है इंडियन माइथोलॉजी से एंड इसमें आपको इंडियन माइथोलॉजी के गॉड्स भी देखने को मिलेंगे। बट द मोस्ट अप्रिशिएबल थिंग इज कि एक PC गेम जो कि इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है, जिसका डेवलपमेंट इंडिया में ही हो रहा है एंड जो डेवलपर्स है वो भी इंडियन ही है, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है गेमिंग इंडस्ट्री में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे 2 साल पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप लोग इस वीडियो के बाद उसे जाकर जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत पसंद आएगी वो वीडियो। एंड वन मोर थिंग, जब ये गेम रिलीज होगी तब हम सबको इस गेम को सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि ऐसे ही इंडिया में और भी गेम्स का डेवलपमेंट हो और मे बी किसी दिन ऐसा भी हो जाए कि कोई AAA टाइटल इंडिया से भी निकले एंड वो गेम पूरी की पूरी हिंदी लैंग्वेज में हो, ना कि इंग्लिश में। सो ये थे आज के कुछ गेमिंग न्यूज, आई होप आप सबको मजा आया होगा एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग राजी एक इंडियन PC गेम के बारे में एक और डिटेल वीडियो देखना पसंद करोगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना विद द हैशटैग राजी। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। लॉन्च हुई है एंड द गेम लुक्स एब्सोल्यूटली